कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यदि गीता अनुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्म लोक में गए वे सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर दिन मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका पुनर्जन्म, अर्जुन, उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्म लोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहाँ हम आ जाते हैं, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य, या काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे, वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है
यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्म लोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला, वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाणी की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सब विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपनी मुखारविंद से बोली, अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। तीन देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, स्पष्ट हुआ अभी, प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आप ने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको, अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी एक मान सिद्ध है, मान भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एकाधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं, और यत्न करने वालों में भी कोई एकाधा ही मुझ तक पहुँचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है, अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए, फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूँ ब्रह्म लोक में,
और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे तत्व मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एकाधा नहीं, तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित हैं लोग। ये सारा इस सातवें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा इसी सातवें अध्याय का ये चौथा और पांचवा श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी, इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव इसे दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब छठे में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात परलय का कारण हूँ, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूँ। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब हम ज़्यादा ना पढ़ें इसको, देख सातवें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजों का तेज मैं ही हूँ। और ग्यारहवें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने और सारे यादव लड़के मर गए कटके जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनों पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांप पाए, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछड़ उछड़ के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो, श्री कृष्ण दोषी नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन ठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूँगी, आपको जो विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बना कर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन ठा ले गया, उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ कर लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का, ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था ये। अब सातवें अध्याय का हम आपको बारहवां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर सात का श्लोक नंबर बारह में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतान उत्पत्ति करने के, निकवश की बात नहीं,
और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से शंकर जी से, ये कहता है इसका नियमित मूल कारण मैं ही हूँ, पर मैं इनसे बाहर रहता हूँ। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, एक के गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सकें। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुँह जलने का, तो वो चरचराट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुणयुक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, मैं ही करता करवाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये पैदा करें मोह ममता से जकड़े रख कर मार दें। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जाता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जगड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूँ ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर बजते हैं यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए ओए। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच नराधम नराधमा मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रख्या करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे कर न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को, ये गिरीपुरी नागा कनपाड़े नाथ ये सारे के सारे दशनामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल के दे दिया भोलेनाथ ने।
अब जो ही भस्मा गिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा ने उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय कालज्ज अविनाशी सर्वेश्वर सबका मालिक अंतर्यामी पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जहाँ सौ की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे, तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुके नहीं अभी, 100 किलोमीटर तो रहे, मैं इतने दो बात कर लेता हूँ। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आ जा ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूँ। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मेरे डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूँ, इस हाथ को ऐसे करो, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे करो। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन उसका पल्स रेट सेट होया था। ये तो इन दो गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं अपने अपने ग्रुप में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, अगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो। और जो नहाने का इन समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी, इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियाँ। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुँच गए हर की पैड़ी के ऊपर, पीछे तागे वैष्णो जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फेरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो उत्तम हो, बाहर निकलो हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी इन लोगों में, गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा लें जबकि बिजली गिरी थी वह पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में, पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लायक गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदा हुए हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चला हुए हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हाय हाय कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करें, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में, और ये जग में साधक वावे तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी यो ये पाठ पढ़ावे हैं,
यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना चार प्रकार के करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी चार प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेद मंत्रों से ही करता है, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती, ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है अपने धन लाभ के लिए। आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तू वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमृतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात। इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है, है, है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहाँ से छपा यहाँ से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 4400 अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहाँ देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने
इसका अर्थ यह है यात एव कार्य का फल आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाला अन्यत यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से करना नहीं आया क्योंकि अज्ञानी था कि एक नंबर का, मैं ऋषिदानंद को आया। इसका अर्थ है वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह है। तो जो धीरा नाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है, पंद्रमा अध्याय। इसमें वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, कर्तो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। देख इन्होंने लिखा ओम का स्मरण कर, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम कर्तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, यह आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा, अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योति स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण वायुमंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, अहम मैं खम और ब्रह्म, खम माने उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। देखिएगा ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ अहम, वह है मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है, मैं खम्भ माने आकाश में ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये कहना था। ओम ओम सबका रक्षक जो उसका ओम ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम उसका क्या था, वो तो गुप्त बता दिया अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। अब हो गया सिद्ध, हो अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में ना आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं, उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझ अनुसार रहे अज्ञानी।
ये अज्ञानी थे। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के साथ में अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है, यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा। अन्यों कहें वो अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ नहीं कहे सबसे अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ गुड, और यह अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना चार प्रकार के करते हैं, तीन तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं, और इनको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूँ। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार हैं, समर्पित हैं, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, प्रवाह नहीं की जब मर जाए वैसक नष्ट हो जाए शरीर, में भगवान मिलना चाहिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है, श्लोक देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, दयादयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है, सातवें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भगत जन मुझको बजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति एक भक्ति ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है, अब 18वें में कहा है उद्दारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्मा हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम, ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित हैं, वह भगवान में लगी हुई आत्मा वह भगवान समझ कर मुझे भज रही है, वह मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया है अज्ञानियों ने, देखिए ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुतमा माने अति उत्तम है, फूटे बाघ धरे अनुत्तम अनुत्तम ने गति उत्तम अनुत्तम लिखना था, घटिया गति स्वरूप मुझमा ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पर भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा, इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया,
ये मेरी अनुतम अनुतम है, ये घटिया घटिया लिखनी थी उन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सो दुर्लभ है। अब यहाँ कहते बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बजता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया है। इसका अर्थ है कि बहु नाम जन्म, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाट से देखो इस प्रसंग इस सातवें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन कि इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बजते। फिर कहता मेरे बजने वाले भी चार प्रकार के, उनमें तीन रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहाँ बताया है कि बहु नाम जन्मानाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से, तो यहाँ वही कह रहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अगर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम परपदते, और वासुदेव सर्वमिति ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है, कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, यहाँ इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लग गया है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को? एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सब ने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोलिया। ये तप कहाँ से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं, सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रश करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठियोग कहाँ से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है तीसरे स्कंद में, ये क्या करते हैं रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को के अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने हजार वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचोबल मेरी माया, लोक रचोबल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने हजार वर्ष तप किया, फिर कहा सृष्टि करो, पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मांड जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो, और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है, तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी
वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत, अरे ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्मपुदा काल का पुजारी था, काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अभी से भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूँ और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूँ। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूँ। 11 अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने, तेरे तीर्थ पहले किसी ने नहीं देखा, और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन, दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है, जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत हारिया, अंत कहा निराकार। इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के, अंत में कह दिया भगवान निराकार है, अपना मनगढ़ंत थ्योरी बना ली लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए कि सिद्धियां युक्त हो गए, जैसे अगस्त ऋषि ने सातों समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, इव गधा बने अंडेगा, मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। इव चुनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मान धाता, चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है, और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार वो खाली चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारे घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चुनक ऋषि ने पूछा कि भी कहाँ गए थे सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानदाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पर लिखा हुआ है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहाँ गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ा ही घोड़ा। अक नहीं, कौन पकड़े, प्या किसी की माँ ने दूध, सैनिक बोले, उसके जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूँ। बता, रिमोट काल के हाथ में बना लिया एटम बम, पहले चुनक ऋषि और फिर रिमोट ऑन कर दिया, अब इसको करता हूँ राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा, वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाओ एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझ कर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूँ, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का, युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले, अगर कंगले तेरे दाने तो खाने को नहीं, क्यों क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पा कर रहा था, अरे यह ताकत रटा नहीं करे, जीव है इसका नाश करा के छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जा कह दो उनको, घोड़ा बांध दो यहीं पर। सैनिकों ने जाके बता दिया, जी ऐसे ऐसे बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18-18 करोड़ की, 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो
अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे चार पुतली तैयार कर ली, एटम बम चार बना लिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है, 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुन कर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, यानी मुनियों में भी, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी हैं सारे अपने आत्माओं। अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी, जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज़्यादा एवरेज में, जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज़्यादा, फिर एक मनुष्य जीवन बना के भेज दिया जाता है, और फिर 84 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया, और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जावेगा, वहां पर ठाट करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वान, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसके शर्म कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तुमने उस दुर्गा का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जदाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है, उसने तत्वर्म को जान लिया, सारे धातुम से परिचित है, सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं वो तत्वर्म से परिचित हैं, सारे धातुम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत, और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु,
जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तो यहां फिर आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीन गुण रूपी शाखा है, और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिसने सब ब्रह्मंडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर मेरी भी छोड़ दी।